अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज सबसे पहले जो दिन है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आज की जो डेट है वो है 4 जुलाई, 4 अगस्त, ठीक है। अगस्त का महीना है और सन 2023 है और आज जुमातुल मुबारक वीकली क्लोजिंग भी है और मार्केट में आज ज़बरदस्त न्यूज़ भी है। अगर फ्रैक्स की हम बात कर रहे हैं, पहले फंडामेंटल देखते हैं। आज ये देखें ना, यूरो को तो आप लोग देखते हैं डेली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ होती हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी न्यूज़ है वो NFP है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे NFP में दो न्यूज़ हैं, NFP, ठीक है। नॉन फार्म पेरोल भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तो आगे कैनेडियन की, ये है अमेरिकन डाटा। टाइम होगा 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये पाकिस्तान का टाइम है। और दो कैनेडियन डॉलर की होंगी और 3 होंगी डॉलर की न्यूज़, ठीक है। तो इन्हीं का क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो हम देखेंगे, किस पेयर पेपर कौन सा इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब कैनेडियन की, ठीक है। ये दो कैनेडियन की ओपन कर लिए मैंने। पहली है एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। कैनेडियन का देख लेते हैं, अभी पहले था 59.9K, अब 24, यानी कि एम्प्लॉयमेंट चेंज में कमी हुई है। यहाँ पे होगा कैनेडियन वीक हो गया, ठीक है। कैनेडियन क्या हो गया, वीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पहले 4.0 बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने से भी कैनेडियन डॉलर वीक होगा, बात को समझ लें, कैनेडियन डॉलर यहाँ पे वीक हो रहे हैं। अच्छा, अब बात सुने, USD CAD पेयर का नाम है USD CAD, बस समझ जाएं। जब डॉलर वीक होगा कैनेडियन का, USD CAD ये वीक होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये पेयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, इस न्यूज़ से। लेकिन क्योंकि तीन न्यूज़ और हैं, उनका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर बराह रास्त आएगा, तो ओवरऑल बात देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली दोनों न्यूज़ों में कैनेडियन हो गया वीक, ठीक है। कैनेडियन वीक होगा, उसके मुकाबले में डॉलर, याद रखना, स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, यूरो यूएड नीचे, गोल्ड नीचे, लेकिन नेक्स्ट उसी टाइम डॉलर की भी न्यूज़ है, फिर डॉलर की अपनी भी न्यूज़ है। यहाँ पर डॉलर हो गया वीक, कहाँ पर, कैनेडियन की वजह से। कैनेडियन डॉलर वीक हुआ तो ये जो दूसरा डॉलर है, USD डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट, ये वाला जो डॉलर है ये पॉजिटिव हो गया, ये वीक होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसकी अपनी 3 न्यूज़ आएंगी तब क्या होगा, देखते हैं ज़रा उसके भी। ये ओपन कर लें, ओपन हो गई, ठीक है। अब जो देखें, पहली है एवरेज ओवरली अर्निंग, ठीक है, मंथली है 4%, 3% है, यानी कि वीक होने के चांस है। यहाँ पर ये डॉलर वीक, पहले क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग कैनेडियन वीक हुआ था, उसके मुताबिक डॉलर स्ट्रॉन्ग बनता था, लेकिन यहाँ पे भी डॉलर भी वीक हो रहा है, आप देखें। और दूसरी है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो यहाँ पे 2.9K, अब 2.5, यहाँ पे भी वीक, ये भी वीक। अच्छा, तीसरी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पहले 3.6, अब 3.6, ये इक्वल है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो इक्वल है, जबकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है उसमें थोड़ी कमी हुई है, तो इसके कमी होने से भी डॉलर वीक हो सकते हैं। तो यानी कि ये अगर देखें तो डॉलर वीक होने के चांस नज़र आ रहे हैं, डॉलर वीक होने के चांस नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि ये कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ख़ास इम्पैक्ट अगर डॉलर वीक हो जाता है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की कहाँ जाएगा, ऊपर की तरह जाएगा। EURUSD ऊपर, GBP USD ऊपर, USD JPY डाउन। तो और अगर जो डाटा नेगेटिव आ पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये उलट हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाता है और कैनेडियन वैसे वीक हो रहा है उसी वजह से पॉजिटिव, तो डॉलर में कुवत आ जाएगी। जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड फिर नीचे आएगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, कि ख़ास इम्पैक्ट नहीं आ रहा न्यू फंडामेंटल का, मैंने जो देख लिया है खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। यही होगा, मार्केट बहुत साइड मूव कर सकती है, वोल्टेलिटी अच्छी आ सकती है। चलते हैं MT4 पर, कुछ बातें उधर बताता हूँ जी। तो अब हम आ चुके हैं MT4 पर, सबसे पहले बात करेंगे यूरो USD की।
ये यूरो यूएसडी का पेयर आपके सामने ओपन कर दिया। सबसे पहले टाइम फ्रेम इसका डेली चेक करेंगे, डेली में ये बाइंग नज़र आ रहा है और मार्केट में कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पे अगर कैंडल देखेंगे तो ये बाई का इशारा दे रही है। तो मार्केट ये जो ब्लू लाइन है इसको टच कर सकती है, लेकिन क्योंकि आज फंडामेंटल है, फंडामेंटल में भी अगर कि खास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव मिक्स ही डाटा है, तो अगर नेगेटिव आ जाता है डॉलर नेगेटिव है तो ये उधर चला जाएगा ऊपर, अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर मार्केट इस लाइन को टच कर सकती है। तो एहतियात करना ज़रा, न्यूज़ टाइम इंशाल्लाह देखेंगे कि सेल स्टॉप बाय स्टॉप या कोई ट्रेड इंशाल्लाह अच्छी जहाँ की लेवल मिल जाएगा, उससे तो पहले पहले मार्केट मूव करे, लेकिन कोशिश करेंगे बाइंग की इंशाल्लाह। डिप से बाय करेंगे, यूरो को भी बाय करेंगे, जीबीपी को भी और गोल्ड को भी। जी तो अब जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। ये कहते हैं जीबीपी यूएसडी में अगर आप गौर से देखें, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना ये वाली, ये बाइंग का इशारा दे रही है और यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं, यानी कि इसमें भी कोशिश करें डिप से पहले। कल मैंने बाय करवाया था इस ग्रुप, एक ग्रुप में मैंने यहाँ से बाय करवा दिया था, मैंने कहा जीबीपी यूएसडी को बाय कर लें, ज़बरदस्त प्रॉफिट जिन्होंने बाय किया। जी तो जीबीपी यूएसडी के बाद यूएसडी जेपीवाई को देख लें। यूएसडी जेपीवाई मैं कल सेल करवा चुका था, सेलिंग के ऊपर मज़ा आया और आज भी सेलिंग बनती है। अगर यूरो बाय जीबीपी बाय जाते हैं तो ये सेल जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे एसएल ओटीपी यहाँ पे, ठीक होगी बात, यानी कि इसकी सेलिंग चांस है, ये भी सेल आ जाएगी। और बेस्ट लेवल 1944 है, स्कैल्पिंग सेलिंग छोटे एसएल के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे गोल्ड की। ये लें जनाब, गोल्ड ओपन कर लिया है, गोल्ड का डेली चार्ट है, कोई ख़ास मूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन ये रिवर्सल है कि मार्केट जैसे ये देखें अब डाउन आती रही है, यहाँ पे रिवर्सल बन रहे हैं ये वाले, ये मार्केट हैं भी सपोर्ट के ऊपर, ये इशारा इंडिकेट करता है कि मार्केट ट्रेंड बदलने वाला है। और ये छोटी छोटी कैंडल्स एक बड़ी कैंडल की भी अलामत होती है। अगर इस हम H4 की तरफ चले जाएँ, बल्कि H4 की तरफ चलते हैं, H4 में देखते हैं गोल्ड। ये देखें कल H4 में भी खास मूवमेंट नहीं, H1 में देख लेते हैं। ये देखें ये कल की मूवमेंट है इसकी, ये देखें पूरा, ये कल का दिन है ये वाला, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कल का दिन। ये जो एरिया ना ये वाला पूरा, ये कल का दिन है। मार्केट 1938 ये वाली देखें, 1937-1938 के दरमियान बार बार टकरा के वापस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गिनते जाएं बस, कितनी बार यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई है। और यहाँ से बार बार जब सेल करते रहते तो प्रॉफिट मिलता रहता ना यहाँ से, इस एरिया से, इस एरिया को मार्केट ऊपर ब्रेक करके नहीं गई। और इस एरिया से मार्केट 1932 का जो मेरा सिग्नल भी था 33, ये और ये वाला देख ले, मार्केट नीचे की तरफ फिर भी ब्रेक हुआ, लेकिन 27 साल तक बार बार बाइंग के ऊपर भी बार बार प्रॉफिट मिला और सेलिंग के ऊपर भी बार बार प्रॉफिट मिला है। लेकिन क्योंकि आज है डाटा, आज है न्यूज़, तो ये जो एरिया है ना मार्केट का ये वाला, ये कल का, ये परसों का और ये कुछ आज का, और यहाँ तक अभी चलेगा मजीद, यहाँ तक काउंट कर लें, क्योंकि इस जगह पर जब आएगी मार्केट तो फंडामेंटल आएगा। जब इस जगह पर न्यूज़ आएगी तो या ये चीज़ नज़र आ जाएगी या ये चीज़ नज़र आएगी, एक ना एक काम तो होना है, ठीक है। अब हम देखें स्कैल्पिंग में तो सेलिंग बाइंग दोनों चलता रहता है, चल रहा है सिस्टम, लेकिन एक्चुअल में अब होने क्या जा रहा है कि मार्केट में, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ फंडामेंटल के खास नहीं है, मार्केट बहुत साइड मूव कर सकती है। आज भी इस तरह हो सकता है कि मार्केट क्या करे, पहले यहाँ पर जाए फिर यहाँ पर चली जाए फिर यहाँ से आके रुक जाए, इस तरह हो सकता है, या दूसरे ये ऊपर जाए फिर नीचे मूव गए फिर इधर, इस तरह भी हो सकता है, बोथ साइड एसएल हंटिंग भी हो सकती है, याद रखना। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी अच्छी एंट्री देखेंगे कि सब कहाँ कहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इस सेलिंग का जो लेवल है, जो पहली ज़बरदस्त सेल है वो है 1953 रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, 1953 से पहली सेल कर सकते हैं एसएल 50 पे 100 पे, उसके बाद अगर कोई सेल है तो 1966 है, 1966 से दूसरी सेल है और 1976 से तीसरी सेल है, ठीक है। मैंने लेवल बता दिए एसएल 50 पिप्स टीपी 100 पिप्स, 100 पिप का यानी कि टीपी होना चाहिए।
और कोशिश करें बाइंग की। बाइंग कहाँ से? पहली बाइंग ज़बरदस्त है जो बनती है ना, वो है 1916 का लेवल है, बता दिया मैंने। फंडामेंटल के ऊपर भी चाहे तो आप मिल जाए ना ये तो लगा लेना। SL 50 पिप्स लगाना, TP तो हम TP क्योंकि इसका बन जाएगा 22 तो लाजमी लगाना, 1922 60 पिप का, क्योंकि ये स्कैल्पिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ के दौरान ये इतना प्रॉफिट दे जाएगी मार्केट, ठीक है। 1916 पे एंट्री करनी है आप लोगों ने, वैसे 1922 भी लेवल है याद रखना है स्कैल्पिंग के लिए, खुद 22 खुद एक लेवल है, लेकिन 1916 क्योंकि मार्केट है, न्यूज़ भी बड़ी है तो इसलिए 150 पे मूव कर सकते, इसलिए 1916 1912 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, 1912 भी बीच में शामिल है, 1912 से लेकर 1916 तक ना आप एंट्री कर लेना बाय की। और अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर 1903 है नीचे, 1903 ज़बरदस्त सेलिंग है, फिर 1894 ये तो आप लोग जानते भी हैं, फिर इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट पहले टच कर रही है इस लेवल को, तो यहाँ से बाइंग करें, ज़बरदस्त बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो गोल्ड के बाद डॉलर अपना 102.4 देख लेते हैं डॉलर के एक नज़र, देखा ना डॉलर कल सेल आया, कुछ गोल्ड बाएगा, आज भी सेलिंग हो सकती है अगर सेलिंग ना हुई, वैसे टारगेट हमारा 103 का है, 103 पॉइंट समथिंग, लेकिन डॉलर वीक होना चाहिए क्योंकि डॉलर अप ही अप जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये इसका मेरा टारगेट था 103 का, अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिट्रेसमेंट ले सकता है ये, जब ये रिट्रेसमेंट लेगा गोल्ड बाय जाएगा आपका। चलें तो डॉलर के बाद अगर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेयर ऑयल है, ऑयल पे चलते हैं, ऑयल पे ज़बरदस्त देखिए 78 मैंने कल कहा था ना बाइंग लेवल है, यहाँ से बाय स्कैल्पिंग है और ये हमारा बेस्ट बाय लेवल, बस मार्केट पहले ही बाय निकल गई। अब देखें अब इस सेल की कैंडल बनी हुई है, इस टाइम मार्केट 81.300 पर चल रही है, तो यहाँ से सेल करें तो SL बनता, अब अगर देखें सिग्नल जो बनता है ना वो ये है, भी वेट करें बल्कि 82.00 से बनता है और 82.500 SL बनता है, यानी कि $5 के SL कहते हैं इसे, लेकिन आप लोगों ने एहतियात करना है ज़रा, अभी तक हमारे लेवल का है तो करीब करीब ही, ये देख रहे हैं आप लोग ऊपर मेरा 82 का लेवल है, 82.500 पे 84 भी ये लेवल है सेलिंग का, ज़बरदस्त करें तो रिस्क वाला बड़े अकाउंट वाला ले $10 का SL लगा के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो ऑयल के बाद US 30 टॉप के ऊपर है, देख लेते हैं एक नज़र, ये बाइंग पोजीशन में अभी सेलिंग में नहीं आ रहा, अभी वेट करते हैं टॉप से सेल करेंगे फिर जाने दें इसको, यहाँ से भी सेल करते रिस्क वाला ही रिस्क ही खाता हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट हम बात कर लें तो लास्ट पेयर हमारा BTC जिसको बिटकॉइन कहते हैं जनाब, बिटकॉइन जब तक मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक तो है सेल, इस मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करें फिर बाइंग के सोचेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे था फिर ये ऊपर बाइक हुआ फिर देख कैसे बाइक गई है, फिर अब ये नीचे है तो फिर अभी नीचे 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 नीचे, अच्छा तो अब वेट करेंगे 27,000 वही बिटकॉइन का 27,000 का वहाँ से इंशाल्लाह बाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।